केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को उनका संकल्प पूरा होने पर उन्हें अपने हाथों से चप्पल पहनाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार अपने हाथों से किसी को चप्पल पहनाई है। ऐसे में लोग सिंधिया को किसी को चप्पल पहनाता हुआ देख आश्चर्यचकित भी हो गए। केंद्रीय मंत्री के हाथों चप्पल पहनने के बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ज्योतिरादित्य सिंधिया के उन्होंने पैर छुए। और आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। आपको बता दें कि ग्वालियर के फूलबाग से सेवानगर रोड अगोंडेवाली सड़क की हालात खस्ताहाल थी। उसका जो है निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ था। इससे उसके गुजरने वाले लोग काफी ज्यादा परेशान होते थे। क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों ने इस समस्या को लेकर प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी शिकायत की। इसके बाद प्रद्युम्न सिंह तोमर ने संकल्प लिया था कि जब तक इन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक वो जो है जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री के इस संकल्प के बाद सरकारी अधिकारी हरकत में आ गए। उन्होंने सड़कों के निर्माण कार्य तेज कर दिया और उन्हें पूरा भी कर दिया। अब तकरीबन सभी सड़कों का निर्माण काम पूरा हो चुका है, इसलिए ऊर्जा मंत्री का संकल्प भी पूरा हो गया है। इसी बीच मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर सिंधु विहार कॉलोनी में अटल जी की याद में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस कार्यक्रम के मंच पर ही उन्होंने संकल्प पूरा होने पर चप्पलें मंगवाई और अपने हाथों से प्रद्युम्न सिंह तोमर को उनके पैरों में चप्पल पहनाई। जब सिंधिया चप्पल पहना रहे थे तो ऊर्जा मंत्री ने उन्हें मना किया और उन्होंने कहा कि वे चप्पल खुद पहन लेंगे, लेकिन सिंधिया ने इस बात को नहीं सुना और उन्होंने खुद उन्हें जो है चप्पल पहनाई। प्रद्युम्न सिंह जी की जो सोच और विचारधारा थी कि सड़कें हमारी अच्छी बननी चाहिए ग्वालियर में, जो सड़कों की उन्होंने कावियात की, मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण आशीर्वाद देकर जल्द से जल्द वो सड़कें बन पाए इसकी स्वीकृति दे दी। काम भी शुरू हो चुका है और जल्द से जल्द उन सड़कों का उद्घाटन भी हम लोग करने जाएंगे और ऐसे सड़कें बनेंगी जो ग्वालियर के लिए एक नया उदाहरण बनेंगी विकास और प्रगति के लिए।